नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक बढ़िया सूजी का नाश्ता बना के दिखाने वाला हूँ, यानी कि हम सैंडविच बनाएंगे और वो भी सूजी से। तो फिर चले इसे कैसे बनाते हैं वो देख ले। यहाँ पर हम सबसे पहले इस बाउल में लगभग 1 कप बारीक सूजी लेंगे और साथ में 1/4 कप दही डालेंगे। इसके बाद थोड़ा धनिया पत्ता डालते हैं। अभी स्वादानुसार नमक डाल के इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। अभी ज़रूरत के अनुसार पानी डालते हुए इसे मिला लेंगे। दोस्तों हमें यह बैटर थोड़ा मीडियम पतला चाहिए, तो आप भी ज़रूरत के अनुसार पानी डालिए और इस तरह का बैटर बना लीजिए। और बनाने के बाद बैटर को 10 मिनट तक रेस्ट देना है। तब तक हम दोस्तों इसके लिए स्टफिंग बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाल के तेल को गर्म करके लिया है। तो अब डालते हैं बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज और साथ में डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्ची की पेस्ट, यह है 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। अभी इन सभी को थोड़ा सा भून कर लेते हैं। दोस्तों ये जो हम स्टफिंग बना रहे हैं वो एक सिंपल सी है, जिससे कि हमारा सैंडविच थोड़ा स्पाइसी और खाने में चटपटा लगता है। तो आप आपके पसंद के अनुसार इसमें वेजिटेबल डाल के स्टफिंग बना ले। मैं इसमें बारीक कटी हुई थोड़ी शिमला मिर्च डालता हूँ। इसके बाद कद्दूकस किया हुआ थोड़ा गाजर डालेंगे, यह है 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल के स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसके बाद में हम इन्हें भून कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी स्टफिंग तैयार है। तो इधर 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा बैटर सेट हुआ है। तो अभी इसमें डालते हैं 1/2 पॉकेट इनोका पाउडर। दोस्तों अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इन दोनों में किसी एक को भी डाल सकते हो। ऐसे इनो मिलाने के बाद इसे उठा के सीधा केक पैन में बैटर डालते हैं। दोस्तों मैंने इस पैन को तेल लगा के रखा था। अब इसे उठा के चलते हैं दोस्तों किचन की ओर। इधर मैंने स्टीम देने के लिए पानी को गर्म होने के लिए पहले से ही गैस पर रखा था। तो अभी पैन को कवर करके इसे 7 से 8 मिनट स्टीम देंगे। 8 मिनट के बाद इसमें स्टिक डाल के देखते हैं पका है कि नहीं। ये देखिए स्टिक पे गीला बैटर नहीं चिपका, यानी कि ये अच्छे से पक चुका है। तो इसे निकाल के ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए यह बहुत ही आसानी से निकलता है। तो अभी इसे स्लाइस में काट लेंगे। तो ऐसे काट लेने के बाद मैं आपको एक सैंडविच बना के दिखाता हूँ। अभी स्लाइस के ऊपर टोमेटो केचप लगाते हैं। केचप लगाने के बाद उबले हुए आलू का एक स्लाइस रखेंगे। अभी इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे भी लगाएंगे। दोस्तों इस नाश्ते को बच्चे हो या बड़े बहुत ही प्यार से खाएंगे, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। अभी और एक आलू का स्लाइस रखेंगे और बाद में ऊपर से सूजी का स्लाइस रखते हैं और हल्के से थोड़ा प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा सूजी का सैंडविच तैयार है। तो कैसी लगी आज की यह नाश्ता रेसिपी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।